देखिए, बस स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली बंपर जीत से अखिलेश यादव गदगद हैं। अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्रीय राजनीति के लिए जाने वाले हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दफ्तर पर हुई बैठक में कई बातों पर जो फैसला हुआ है उस पर उन्होंने करहल सीट छोड़ेंगे इस पर कहा है कि जल्द ही बताया जाएगा जो फैसला लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूपी में फिर नेता विपक्ष कौन होगा। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस रणनीति के साथ बम्पर जीत हासिल की, जिस प्लानिंग के साथ पार्टी को 5 सीट से 37 सीट पर पहुंचाया, अब उसी एनर्जी के साथ वो सेंट्रल पॉलिटिक्स पर फोकस करने वाले हैं। यानी अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्रीय राजनीति के लिए जाने वाले हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडीए पर और इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, जमीन पर जो चीजें नहीं दिखाई दी उसकी नाराजगी देखने को चुनाव में मिली उनके खिलाफ, और उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। दरअसल अखिलेश यादव कभी केंद्र तो कभी प्रदेश की राजनीति में दाव आजमाते रहे, लेकिन इतनी बड़ी सफलता उन्हें पहले कभी नहीं मिली। अखिलेश यादव 5वीं बार सांसद बने हैं, 3 बार कन्नौज से सांसद रह चुके हैं, 2022 में करहल से चुनाव लड़कर जीता, फिर आजमगढ़ लोकसभा छोड़ दी थी, एक बार फिर कन्नौज से सांसदी लड़ी। अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है वो करहल छोड़ कन्नौज के रास्ते दिल्ली की राजनीति में एक्टिव रहेंगे। बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, तो बहुत जल्दी मैं विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। तो हम लोग तय कर लेंगे, फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है अखिलेश के दिल्ली जाने के फैसले के बाद अब करहल सीट पर कौन लड़ेगा और यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद कौन संभालेगा, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो अब करहल सीट पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद शिवपाल यादव संभाल सकते हैं। शिवपाल अब विधायक दल में सबसे वरिष्ठतम सदस्य है। राम अचल राजभर जो कि अंबेडकर नगर से विधायक है, उनके रास्ते भी नेता प्रतिपक्ष के लिए खुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक हैं उनमें वरिष्ठतम सदस्य शिवपाल सिंह यादव ही हैं। ऐसे में मुझे जहां तक उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी नेता विपक्ष की कुर्सी अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को ही देंगे। पीडीए का फॉर्मूला लेकर चलने वाले अखिलेश यादव कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पीडीए से ही बनाया जाए, जिसमें सबसे पहला नाम शिवपाल यादव का है, बाद में किसी और का, और कुछ ऐसा ही मैसेज शिवपाल यादव की देते रहे हैं। समय अगर ये देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 200 विधानसभा से ज़्यादा जीती है, तो अगर आज नैतिकता के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से इस्तीफा दे दें और इस्तीफा दे करके चुनाव कराए जाएं, तो फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई वाले समाजवादी पार्टी निश्चित उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बना लेगी। कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायकों का, हमारे सांसदों का मनोबल तो बढ़ा है ही, बढ़ा ही है, तो अब ठीक है, विधानसभा में ठीक ही होगा। यानी अखिलेश यादव को पूरा यकीन है कि वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन में सहयोगियों की भागीदारी को देखा जाए तो कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी समाजवादी ही है, और पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने वाले अखिलेश यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।